सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बाइट टू इट। मैं निशा वर्मा, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और अपने घर में होंगे। आज हम बाइट टू इट की रसोई में एक ऐसी चीज बनाना सीखते हैं जो बहुत मुश्किल भी नहीं है और खाने में टेस्टी भी बहुत होती है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये है हरे वाले आलू। ये कैसे बनते हैं, इसके लिए आपको चलना होगा हमारे साथ बाइट टू इट की रसोई में हरे आलू देखने। मैंने इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट डाला है, वो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तब पता चलेगा ये सरप्राइज है क्या। तो चलिए देखते हैं बाइट टू इट की रसोई में हरे वाले आलू कैसे बनते हैं। और मेरी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब आप मुझे पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया बनाते हैं। ये मैंने 500 ग्राम बेबी पोटैटो लिए हैं, इन्हें उबाल कर छील लिया है। ये थोड़ी सी मैंने हरी धनिया की पत्तियाँ ले ली हैं। ये 5 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 कली लहसुन की। ये मैंने 2 चम्मच इमली को आधी कटोरी पानी में भिगा दिया था और भीगने के बाद मैंने वो पानी निकाल लिया है। 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 2 चम्मच सफ़ेद तिल, नमक टेस्ट के हिसाब से। ये देखिए, ये मैंने गैस अब ऑन कर ली है और अब हम इसमें ये जो मैंने तिल लिए थे ये थोड़ा सा हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ये देखिए, ये इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगी है। अब ये तिल हो चुके हैं, अब मैं इसे अलग बर्तन में निकाल लूँगी। अब हम इसमें ये रिफाइंड डाल देंगे। अब ये रिफाइंड गर्म हो गया है, अब ये आलू। थोड़ा सा इसमें हम हल्का सा नमक डाल देंगे। नमक आपको अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, आप जितना नमक खाते हैं। आलू को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। इसके बाद जो मैंने ये हरी धनिया, लहसुन, हरी मिर्च और इमली का पानी लिया था, इन सबको मिला के मैं जब तक एक पेस्ट तैयार कर लूँगी चटनी जैसा। ये देखिए, ये हल्के से आलू ब्राउन होने लगे हैं। अब जो मैंने ये चटनी पीसी हुई है ये इसमें मिक्स कर दूँगी। इमली के पानी की जगह आप इसमें नींबू का रस भी डालते हैं, 2 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि नींबू का अगर आप रस यूज़ करते हैं तो आप उसे बहुत ज़्यादा देर भूनिएगा नहीं तो उसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा। देखिए ये ग्रीन ग्रीन कितनी सुंदर लग रही है और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। जिस समय हमारे पास कुछ सब्जियां नहीं होती हैं गर्मी के सीज़न में, उस समय हम इन्हें बना सकते हैं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। चलिए अब हम इसे चेक करते हैं। इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है हरी धनिए की। ये देखिए, ये अंदर तक अच्छे से इसने चटनी अब्जॉर्ब कर ली है। ये देखिए, अब मैं इसमें ये रोस्टेड तिल मिक्स कर दूंगी। ये जो तिल पड़ के इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जो बीच बीच में हमारे मुंह में ये तिल आते हैं ना, तो आपको पता ही होगा कि तिल हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आलू गोल मटोल तिल वाले देखिए, ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं और इसको बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। हाँ, टाइम सिर्फ इन्हें
छीलने में लगता है आलूओं को। ये बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में। देखिए ये बनकर बिल्कुल रेडी है। अब चलिए हम इसे एक प्लेट में सर्व करते हैं।